मैं चैनल फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग ओरेकल क्लाउड 24 GB मेमोरी और 4-core CPU के बारे में। आर्म बेस्ड प्रोसेसर का इंस्टेंस है, सो उसमें वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल हो रहा था, सो डिपेंडेंसीज इश्यूज थे इसके बारे में और दिक्कत बहुत आती थी उसके एरर्स उसकी कंपैटिबल वर्शन नहीं था वो वर्डप्रेस के लिए वो इंस्टेंस। सो मैंने एक नया ऑप्शन एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो पर। ओके, सो उसके बारे में बता दूंगा इस वीडियो पर। वो है एयर पैनल। ओके, एक सी पैनल है, सो इसके मदद से आप उस इंस्टेंस पर सी पैनल को इंस्टॉल करके एन नंबर ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ डेटाबेस, बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसके फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो इसको मैंने ऑलरेडी मेरे सर्वर पर इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूट और इंस्टेंसेस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-core CPU और 24 GB मेमोरी का इंस्टेंस मैंने रन किया है और इसको इंस्टॉल भी किया है इस सी पैनल को। ओके, और ये ओपन सोर्स सी पैनल है और पूरे एशिया में 36 लाख के ऊपर सर्वर्स इंस्टॉल हो चुका है इस पैनल से। पैनल की मदद से सर्वर रन हो रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैंने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर दिया है मेरे सर्वर पर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रनिंग स्मूथली 4-core CPU और 24 GB ऑफ मेमोरी। ओके, और इस कंट्रोल पैनल और इस फॉर एग्जांपल सी पैनल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, सो आप यहाँ पर मल्टीपल ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर MySQL 5.7, PHP MyAdmin, DNS मैनेजर और PHP 7.4, मेमकैस्ट, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट और बैकअप के लिए गूगल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं, डॉकर मैनेजर भी आप यूज़ कर सकते हैं, डॉकर इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं इस पर। ओके, और यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट भी क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पर बिगरॉक का सर्वर थोड़ा डाउन है इसलिए इसको मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं डायरेक्टली इस वीडियो बना रहा हूँ। ओके, और मैं नेक्स्ट वीडियो पर इसके अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, और यहाँ पर वेबसाइट्स, एन नंबर ऑफ वेबसाइट यहाँ पर ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, डेटाबेस, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया है। ओके, और मॉनिटरिंग, सो यहाँ पर आप सारे मॉनिटर कर सकते हैं अपने सर्वर के बारे में। ओके, सिक्योरिटी, फायरवॉल सेट कर सकते हैं, कौन सा पोर्ट ओपन रखना है, कौन सा पोर्ट क्लोज रखना है, और यहाँ पर लॉग्स बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर FTP फाइल्स के लिए आप यहाँ से फाइल्स को डिलीट और क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस के फाइल्स मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, और यहाँ पर इनबिल्ट टर्मिनल भी मिलेगा आपको। यहाँ पर आपका SSH पासवर्ड को आप एंटर करके आप टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ पर आप क्रॉन जॉब भी सेट कर सकते हैं। ओके, आपको कोई ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट को रन करना है और बैकअप लेनी है अपने डेटाबेस का, और कोई भी आपको रैम को फ्री करना है, कोई भी URL को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आप क्रॉन जॉब भी सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके कौन से टाइम पर आपको डेटा बैकअप लेना है इसके बारे में आपको यहाँ पर सारे कॉन्फिगर कर सकते हैं। और एक फीचर क्या है कि इस पे अंदर ओपन लाइट स्पीड वर्क नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली इस ऐप वर्क नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि इस इंस्टेंस पर यह आर्म बेस्ड प्रोसेसर का चिप है। ओके, इंस्टेंस है, सो अगर आपका इंस्टेंस इंटेल और AMD का होता तो आप ओपन लाइट स्पीड भी यूज़ कर सकते थे। ओके, और इस सी पैनल में आप इन लोगों ने दिया हुआ है कि अपाचे NGINX और ओपन लाइट स्पीड, सो इस अपाचे और NGINX दो आप यूज़ कर सकते हो। ओपन लाइट स्पीड फ़िलहाल इस इंस्टेंस पर कंपैटिबल नहीं है। ओके, सो इसको आपको ध्यान रखना है।
और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन से आप यहाँ पर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, सो मैंने मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने सारे सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ओके, सो ये अभी प्रोडक्शन के लिए रेडी है। ओके, और मैं और एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। ओके, आपको इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम कौन कौन सी क्रेडेंशियल को आपको चूज करना है। ओके, मशीन को लिनक्स इमेज को चूज करना है, इसके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। ओके, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री अवेलेबिलिटी डोमेन, और यहाँ पर आपको चूज करना है इमेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एम्पेयर आर्म बेस चिप। ओके, यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करके आपको 4GB तक आप इसको सेलेक्ट करें। ओके, और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, और इसको आपको ओरेकल लिनक्स 8.0 ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि प्रॉपरली 8.0 में ही इंस्टॉल होता है, उसके आपको कोई भी एरर नहीं आएगा और स्मूथली रन हो जाएगा आपका सर्वर। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है थोड़ा। सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.9 डिफॉल्ट है ओरेकल लिनक्स, आपको सेलेक्ट करना है 8। ओके, इसको सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करना है, और यूजिंग SSH और कोई भी पुटी सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं रिमोटली एक्सेस करने के लिए सर्वर को, उसको यूज़ करके आप इस सी पैनल को आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर इसके सारे डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है, यम इंस्टॉल सेंट ओएस। ओके, इसको को कॉपी करके आपको सर्वर के अंदर रन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्वर रन कर दिया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।